नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक्सप्लोरर विवेक जॉर्डन। और आज हम हैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माता शारदा का टेंपल। आज हम हैं मध्य प्रदेश में स्थित सतना जिले में और हम जा रहे हैं माता शारदा के दर्शन के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। ताक मंदिर में चढ़ जाएगा, अपने हाथों से मंदिर में चढ़ा दीजिएगा माता रानी को। और ये प्रसाद भोग कलावा और प्रसाद हाथ में लग जाएगा, नारियल मंदिर के नीचे छूट जाएगा। यात्रा प्रारंभ करने से पहले प्रवेश द्वार के निकट स्थित दुकान से माता के लिए चुन्नी व प्रसाद लिया, फिर आगे की यात्रा को प्रारंभ किया। जयकारा श्री वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। आपको बता दूं कि मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था माता के आने के लिए, बट 3 बार में मैंने 7 बार प्लान किया और 7 बार प्लान कैंसिल हो गया। बट इस बार फाइनली पुलावा आया तब हम यहाँ आ पाए। और ये बहुत सही बात कही गई कि भगवान के बिना मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो सही बात है कि भगवान जब तक बुलाए ना, जब तक माता की भगवान की मर्जी ना हो, तब तक कोई कहीं किसी के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। माँ शारदा देवी का मंदिर पर्वत की चोटी के मध्य में स्थित है। माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं। जिस तरह माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए भक्त वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियाँ लांग कर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार के निकट ही आपको स्थानीय महिलाएं सिंदूर बेचते हुए दिखेंगे, जिनसे आप माता को चढ़ाने के लिए सिंदूर भी खरीद सकते हैं। देश भर में माता शारदा का अकेला मंदिर सतना के मैहर में ही है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरव, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। लगभग 400 सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी यात्रा को रोपवे से भी सफल बना सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे बने रोपवे काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत ₹130 पर पर्सन है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक महत्व ये भी माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे, फिर भी सती ने अपने जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इस बात से बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका 3रा नेत्र खुल गया। उन्होंने यह कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ
अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना और मैहर मंदिर शक्ति पीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। मंदिर परिसर में आपातकालीन सेवाओं के लिए बोर्ड पर सबके मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसी मान्यता है कि आल्हा और उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। आल्हा और उदल ने सबसे पहले जंगल के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने ही इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, जिस वजह से यह मंदिर भी शारदा माई के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि शारदा माता के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। लोगों की एक आस्था और भी है, जो कि इस वृक्ष पर माता की चुन्नी व सूत बांधकर मनोकामना मांगने पर मनोकामना माता पूर्ण करती हैं। आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता के दर्शन के लिए सैकड़ों हजारों श्रद्धालु दिन में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यात्रा के वापसी में प्रवेश द्वार के निकट आपको लोग फोटो व माँ की प्रतिमा बेचते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं व 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ एक आस्था और धर्म के नज़रिए से ही खास नहीं है, इस मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 1559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित हैं। दुनिया के जाने माने इतिहासकार ए कनिंगम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध भी किया है। माता के दर्शन हो गए और हम लोग अब नीचे उतर आए हैं और दोस्तों से पूछते हैं कि कैसा रहा उनका सफर। कैसा रहा सफर प्रदीप आपका? यहाँ पे काफी क्राउड था, फिर भी जैसे दर्शन हुआ वैसा हमने सोचा नहीं था, और बहुत अच्छा दुर्लभ माता के दर्शन हुआ, माता का आशीर्वाद मिला। जय माता दी। आदि आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बोलूँगा जय माता दी, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको दरबार में आने का मौका मिला। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, एक बार मैं रोपवे से पहली बार आया था, अंधेरा हो गया था तो मैं चढ़ा था, लेकिन मैं अपने सारे भाई के फॉलोअर या सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं उनसे मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी वो अगर माता के दरबार में जब उनका बुलावा आएगा तभी आप आ सकते हो, ऐसे नहीं आओगे तो आप पहली बार जब भी आओ आप यहाँ पे सीढ़ियों के रास्ते जो पैदल मार्ग है उसके थ्रू आप जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और माता का दर्शन करिए। जय माता।